असलम दोस्तों आज मैं आपको परफेक्ट साड़ी कटिंग एंड स्टिचिंग की पूरी डिटेल के साथ आपको तफसल के साथ एक एक चीज़ बताऊंगा तो दोस्तों ये हमारी साड़ी है ठीक है इसके ऊपर हमने ये बॉर्डर लगा दिया है तो ये बढ़ता हुआ बॉर्डर लगाया लेसिस वगैरह लगा दिए तो इसकी मैं आपको पूरी कटिंग और इस्टिचिंग बताऊँगा कि किस तरीके से आपने इसकी कटिंग और इस्टिचिंग करनी है तो सबसे पहले आपने पल्लू निकालना है ठीक है पल्लू निकालना है ढाई गज का मेरे से मैंने पीछे भी बहुत दो वीडियो बनाई है साड़ी की तो बहुत सारे लोग मेरे से यही सवाल करते हैं कि पल्लू कितना रखना है साड़ी का कपड़ा कितना होना चाहिए तो टोटल तो, तो, तो हमने छः गज़ लिया है ठीक है ये आप याद रखना टोटल तो कपड़ा हमने छः गज़ का लिया है गज का इसमें पल्लू निकाल दिया और पौने तीन गज़ का भी निकाल सकते हैं आप अगर आपका हाइट थोड़ी ज़्यादा है और अगर आपको पल्लू बड़ा चाहिए तो वैसे गज इनफ भी है कोई मसला नहीं है गज सही है तो अब ये एक सवाल तो मेरे से बहुत लोगों ने ये किया है कि लंबाई को कैसे कंट्रोल करें तो इस तरीके से आपने जब बढ़ते हुए अपने अपने पट्टे लगा दिए तो आप इसी टाइम पे अपनी लंबाई नाप लें ठीक है लंबाई नापने के बाद आप इसके पट्टे लगाएं पट्टे लगाने के बाद जो आपकी बी आ रही है बेल्ट आ रही है बेल्ट वाले हिस्से की तरफ से लंबाई नापनी है तो उसकी सेटिंग कर लेंगे तो आपकी लंबाई ऑटोमेटिकली आपकी सेटिंग के से हिसाब से आ जाएगी ठीक है अब इसके अंदर जो मैंने एक चीज़ और सिखाई है वो मैं आपको आगे बताता हूँ प्लेटों के अंदर कि प्लेटें किस तरीके से हमने लगाई हैं इसकी ताकि वो मोटा नहीं हो जो हमारा बेल्ट की तरफ जो प्लेटें लगाते हैं वो वाला हिस्सा बहुत मोटा हो जाता है और बेल्ट बेल्ट भी बहुत उभरी उभरी हो जाती है तो मैंने इसमें बिल्कुल नए स्टाइल में प्लेटें डाली हैं तो आप ये गौर से देखें ये मैं पलेट किस तरीके से डाल रहा हूँ तो पहली पलेट मैंने छः इंच की डाली है और आपको नज़र भी आ रहा है पूरा वीडियो के अंदर ठीक है अब आधा इंच पीछे ले जाएंगे अपनी पलेट से ठीक है ये कुछ नया तरीका खुद से सोचा है थोड़ा दिमाग लगाया कि प्लेटों को थोड़ा सा नए लुक के साथ डालें ताकि इसका फ्लेयर बहुत खूबसूरत बने और आपको हमें जब इसको पहन के दिखाऊंगा और आपको लटका के भी दिखाऊंगा आगे वीडियो के अंदर तो आप ख़ुद देख लेंगे इसका फ्लेयर कितना खूबसूरत बन रहा है कि एक पलेट के पीछे एक प्लेट का फॉल आ रहा है और इस तरीके से मैंने कोई प्लेट नहीं बिठाई ठीक है।, है क्योंकि ये इसका फ्लेयर ए सी इतना खूबसूरत लग रहा था कि इसमें मैंने आयरन करके इसको जमाया नहीं ताकि ये पहने पहनेंगे तो आपको खुद नज़र आएगा आगे जाके तो ये दूसरी प्लेट लगानी है आधा इंच यहाँ से बाहर निकलना है और आधा इंच वहाँ से पीछे से बाहर निकलना है यानी कि आधा इंच अगर आगे से छोटा कर देंगे तो पीछे से आधा इंच बड़ा कर देंगे इस तरीके से आपने प्लेटें डालते जानी है पीछे आधा आधा इंच करते जाना है ये देखें अब मैं इससे तो थर्ड प्लेट डाल रहा हूँ पीछे की तरफ से आधा इंच मैंने पीछे कर लिया और आगे की तरफ से आधा इंच अंदर की तरफ कर लिया तो इस तरीके से आपने प्लेटें डालनी है हर प्लेट छः इंच की होगी ये नहीं होगा कि कोई प्लेटों के साइज़ छोटे होते जाएंगे ऐसे आहिस्ता नहीं हर प्लेट छः इंच की होगी मगर प्लेट एक के ऊपर एक आएगी मगर पीछे की तरफ जाती जाएगी तो ये आपने बिल्कुल गौर गौर करके सीखना है अब मैंने तीन प्लेटें डाल दी हैं छः गज का कपड़ा लिया था तो मैं आराम से इस, इसके अंदर मैं आराम से अपनी पाँच से छः प्लेटें डाल सकता हूँ तो आप ये देखते हैं पाँच प्लेटें होंगी हमारी और आप ये देखें हमने इसके अंदर बल्कि छः प्लेटें होंगी इसके अंदर हमारी जितनी ज़्यादा प्लेटें होती हैं उतना ज़्यादा अच्छा लगता है तो अगर आपका साइज़ ज़्यादा है तो आप साढ़े छः गज लीजिएगा ठीक है तो उसके अंदर आपकी छः प्लेटें आराम से डल जाएंगी और अगर थोड़ा पतला है क्योंकि ये हमारा मीडियम साइज़ का है तो हमारी जो डली हैं छः प्लेटें हैं तो ये छः है हमने इसके अंदर डाल दी हैं तो मीडियम साइज़ के अंदर हमने छः गज का कपड़ा लिया है और अगर आपका साइज़ थोड़ा हेवी है तो आप साढ़े छः गज का कपड़ा लेंगे इसका फ्लेर देख लें आप कितना खूबसूरत लग रहा है और प्लेटें मोटी नहीं हो रही एक के ऊपर एक डालिए सीढ़ी की तरह बना के तो और पीछे की तरफ से एक के ऊपर एक उतारिए तो ये मोटा नहीं हो रहा पीस बेल्ट बना लेंगे ये बेल्ट की पूरी लंबाई है अब आपकी जितनी कमर है जैसे कि माने कि हमारी कमर जो है पहले तो डेढ़ इंच चौड़ा बेल्ट को रखेंगे डेढ़ इंच चौड़ा ठीक है अब आप मान फर्स्ट कर लें आपकी जो कमर है सोलह यानी कि सोलह सोलह बत्तीस ठीक है ये मैंने सोलह लिख दिया था गलती से अब मैं दोबारा आपको प्लस करेंगे टेन सोलह और इसमें प्लस करेंगे टेन तो ये मैंने ग़लत लिख दिया था सोलह सोलह बत्तीस थी टोटल मेरी कमर बत्तीस थी तो सोलह मैंने हाफ़ करके नाप लिया कमीज की वजह से तो कोई मसला नहीं है बत्तीस कमर है इसके अंदर प्लस कर देंगे टेन टेन को जब हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा फोटी टू तो फोटी टू आपकी बेल्ट होएगी अब अगर आपकी कमर तीस है तो आप इसके अंदर दस इंच जमा करेंगे जितनी भी आपकी कमर है टोटल इंचिटेक्से नापने के बाद जितनी भी कमर आ रही है उसमें दस इंच प्लस करना है ठीक है दस इंच बड़ी बेल्ट बनानी है अपनी कमर से बस यही याद रख लें आपकी जितनी भी कमर है उससे दस इंच बड़ी बनानी है अब ये प्लेटें हमारी देखें जो हमने ये डाली थी अभी हमने बेल्ट नहीं लगाई कितना प्यारा फ्लेयर आ रहा है कोई इसमें आयरन नहीं करी कोई प्रेस नहीं करी इसके अंदर और इसका फ्लेयर देख लें आप कितना खूबसूरत आ रहा है हर प्लेट एक के बाद एक बिल्कुल तरीके के साथ बैठी हुई है एक भाई ने मेरे से सवाल किया था कि नेट वाली साड़ी के अंदर आपने अस्तर कैसे लगाना है तो भाई नेट वाली साड़ी के अंदर आप अस्तर नहीं लगाएंगे इसके अंदर जो आप स्कर्ट पहनेंगे ठीक है वही आपका अस्तर है अस्तर की इसमें ज़रूरत नहीं होती साड़ी के अंदर अस्तर लगता ही नहीं है तो आपने ये बेल्ट डालनी है दस इंच तलक आपने कोई प्लेट नहीं डालनी प्लेन रखना है और बेल्ट को इसके साथ अटैच करना है साड़ी के साथ अब आपने प्लेटें डालनी है ठीक है प्लेटें आपने अपने अंदाज़े के हिसाब से डालनी है और साइज के हिसाब से डालनी है आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि कितनी प्लेटें आएंगी कितना स्पेस रखना है कि इसको बेल्ट के अंदर कवर करना है इस कपड़े को बस आपने ये याद रखना है कि इसको बेल्ट के अंदर कवर करना है अभी ये बहुत सारे लोग ये पूछने नहीं, नहीं लग जाएंगे कि इसकी ये छोटी वाली प्लेटों की साइज़ क्या था इनके अंदर गेप कितना रखा था तो ये आपने अंदाजे से खुद करना होता है आपके साइज़ के सबसे चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं तो आपने वीडियो देख के सीखना है ठीक है ये याद नहीं करना कि ये कितना रखा है कितना रखा है जो मेन याद रखने की चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी प्लेटों की साइज़ और उसको आगे पीछे करने का तो वो मैंने आपको बता दिया ये बिल्कुल नए तरीके से मैंने इसकी प्लेटें डाली हैं पीछे मैंने दो साड़ियाँ बनाई थी उनकी एक के ऊपर एक डाली थी वो भी बहुत अच्छी थी और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया था तो अब मैंने खुद दिमाग लगाया और मैंने लाया जब थोड़ा थोड़ा पीछे लेके जाते हैं तो उसका फ्लेयर कैसा बनता है जब मैंने ये तजर्बा करा तो मुझे बहुत प्यारा लगा मैंने मैंने बोला आपसे क्यों ना शेयर करूं क्योंकि ये कुछ नया लगा मेरे को अच्छा सा लगा मुझे नहीं पता हो सकता है पहले भी किसी ने किया मगर मेरे को मैंने अपने उसमें यानी कि कैरियर में फर्स्ट टाइम ये प्लेटों को पीछे आगे करा और मेरे को बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया इसका तो दोस्तों ये इस तरीके से आपने इसको फ़ोल्ड करना है फोल्ड करने फोल्ड करने के बाद आपने इस पर सिलाई लगानी है और जो छोटी प्लेटें थी उनको भी देखना है आपकी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए ठीक है और एक जैसी बैठी भी होनी चाहिए आगे पीछे नहीं होनी चाहिए फिनिशिंग और खूबसूरती आनी चाहिए इसके अंदर ताकि आपको लगे कि हाँ किसी प्रोफेशनल टेलर ने सिया है और पहनने वाला भी कंफर्टेबल फ़ील करता है जब फिनिशिंग के साथ चीज़ सिली हुई होती है तो पहनने वाले को ख़ुद अच्छा सा लगता है और जब पहनने वाले को पता होता है कि पेल के पेल दिया गंदा सी दिया मज़ा नहीं आ रहा तो उसको फिर इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता एक फीलिंग होती है कि बंदे को हाँ मैं कुछ पहना हुआ तो आपने अगर कोशिश करेंगे अच्छा सियगे तो फिर वो आपको भी फीलिंग आएगी तो आपने ये बेल्ट की पट्टी बना ली है पट्टी को लगाना है पहले आपने इसको थोड़ा सा पाँच छः सात इंच तक इसको प्लेन सिलाई लगानी है पट्टी अच्छी खासी बड़ी बना लें एक ही बार में जान छोड़ाएं ज़्यादा प्लेटें डालें छोटी छोटी प्लेटें ज़्यादा डालें एक ही बार में बोल रहा हूँ इसलिए क्या बोलते हैं आप कितने भी ज़्यादा पतले हो जाएँ कितने भी ज़्यादा आप हेल्दी हो जाएँ कोई मसला नहीं हो आप आराम से उसको लूज ट कर सकें तो ये पहले ये जो हुक वाली पट्टी है ज़्यादा बड़ी बना दें कोई मसला नहीं है इशू नहीं है इसमें और ये नज़र भी नहीं आती इस पट्टी को भी फिनिशिंग से बनाएंगे तो अच्छी लगेगी क्योंकि नेट की साड़ी है तो इसके अंदर से पीछे से सिलाइयाँ नजर आ सकती हैं यानी कि ये पट्टी भी नज़र आ सकती है हमारी नेट के अंदर से झलक सकती है तो इसकी भी फिनिशिंग देखें आप मेरी कितनी खूबसूरत रखी हुई है मैंने कहीं से भी इसकी सिलाइयों को टेढ़ा मेढ़ा नहीं किया पट्टी को अपना मेरे ये जो पट्टी है पलेटों वाली मैंने बहुत सारे दर्जियों की देखी है जो लगाते हैं उनकी टेढ़ी मेढ़ी लगी होती हैं पलेटें मैंने इसके अंदर ज़ीरो की बुकरम यूज़ किया ठीक है ज़ीरो की बुकरम यूज़ करने के बाद एक एक प्लेट को आप देखो किस तरीके से फिनिशिंग के साथ बिठा रहा हूँ ताकि अगर ये नज़र भी आए नेट के अंदर से तो लगे कि हाँ कुछ लगा हुआ है ऐसा नहीं लगे कि कुछ पेल के दे दिया कुछ बेड़ा गलत कर दिया पीस का तो बस आप इन चीज़ों का ख़्याल करें तो आपकी हर चीज़ अच्छी बनेगी तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है मगर चीज़ अच्छी लगती है पहनने वाले को भी मज़ा आता है और बनाने वाले को भी और अगर आप ख़ुद अपने लिए बना रहे हैं तो फिर तो और बात ही क्या है तो अब ये देखें आप ये प्लेट है एक सिलाई लगाइए अब सेकेंड सिलाई में इसमें लगा रहा हूँ सेकंड सिलाई लगाने के बाद आपको मैं इसके आगे का स्टेप बताऊंगा क्या करना है तो सेकंड सिलाई भी लगाते वक्त थोड़ी सी ये यही चीज़ फिनिशिंग का ख्याल रखें मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ फिनिशिंग की वजह से ही आपका ड्रेस अच्छा बनता है तो ये इस सिलाई को भी मैंने भगा भगा के मशीन को ऊपर नीचे नहीं करा सिलाई मशीन से ला इसको सही तरीके से सिलाई को मैंने एडजस्ट किया है तो ये हमारी हो गई पट्टी जिसके ऊपर हुक टिकेंगे अब एक भाई ने मेरे से व्यूअर्स ने सवाल किया था ये तो नहीं पता भाई थे या सिस्टर थी पर उन्होंने पूछा था कि किसी ने मेरे तो से कि ये ये साइड पे हुक लगता है ये भी मोड़ रहा हूँ मैं इस जगह हुक लगेगा ये जो मोड़ रहा हूँ ये सिलाई लगा रहा हूँ इस जगह पर हुक, हुक लगेगा तो उन्होंने सवाल किया था कि ये हुक कहाँ लगेगा कैसे लगेगा तो मैंने ना मेरे मैं कॉमेंट्स में कैसे जवाब दूँ समझ नहीं आ रहा इतना लंबा जवाब लिख के देना पड़ेगा तो मैंने सोचा कि वीडियो तो बनाऊँगा और उसके अंदर ही बता दूंगा तो मैं भी जब पेन के दिखाऊँगा तो मैं उसके अंदर बताऊँगा कि यहाँ पर जो हुक लगेगा तो वो उसका क्या काम है क्या वजह क्यों यूज़ होता है वो हुक? लगता क्यों मैं तो पहले आपने ये अपनी प्लेटों के पीछे बड़ी वाली प्लेटें जो डाली थी उसके पीछे बेल्ट के अंदर हुक लगाना है तो ये हुक थोड़ा मजबूती से लगाएं क्योंकि इसके ऊपर आपकी पूरी सड़े टिकेगी और जो सेकंड वाला हो गया वो वो भी मजबूती से लगाए मगर वो उसमें इतना ज़्यादा मसला नहीं होता उस पर पूरी साड़ी नहीं टिकती इसके ऊपर पूरी साड़ी टिकेगी आपकी तो ये मजबूती से लगना चाहिए अब ये देखें ये प्लेट के अंदर मैंने डाल के दिखाया अब इसको आप कितना भी लूज टाइट कर सकते हैं मेरी प्लेटें देखें कितनी ज़्यादा डली हुई हैं अब ये अला हुक लगा लेंगे साइड वाला ठीक है इसका मैं आपको पर्पज़ बताऊँगा कि ये कहाँ यूज़ होता है क्यों यूज़ होता है तो आप ये वीडियो देखते रहें तो जब मैं ये आपको पेन के इसकी प्लेट प्लेटें वगैरह दिखाऊंगा तो आपको मैं समझा दूंगा कि ये हुक कहाँ पर यूज़ करना है तो ये आपकी पलेटें ये देखें आप आप कितना भी इसको लूज़ कर सकते हैं कितना भी टाइट कर सकते हैं ये इसलिए मैंने ये ज़्यादा जा, डाली हैं थोड़ी सी डाल देंगे तो उसमें क्या होगा कि बस ये थोड़ा यानी कि पतला सा बंदा पहन सकता है ना यानी कि मोटा पत्ता जिसका बनाएंगे उसका तो ये देखें दोस्तों ये जो ये मोटापन आ रहा था बिल्कुल नहीं आ रहा है ये इसकी फिनिशिंग देखें एक ये देखें मेरे हाथ दोनों हाथों के बीच में कितनी आराम से आ रहा है पीछे से हाथ भी नज़र आ रहा है तो ये मोटा नहीं हुआ जो ये मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा तजर्बा करा है खुद और ये बिल्कुल परफेक्ट तजर्बा हुआ है ये प्लेटों का मोटापन नहीं आ रहा है एक वो एक गुटल जैसा बन जाता है ना वो नहीं हो रहा और इसका फलेर देखें आप कितना खूबसूरत बन रहा है नीचे एक प्लेट के बाद एक प्लेट एक प्लेट के बाद एक पलेट तो कितना प्यारा बन रहा है इसका लंबाई मैंने अपनी साड़ी की रखी है फोर्टी टू तो मैं लंबाई भी आपको नाक के बता देता हूँ बहुत सारे लोग फिर भी पूछते हैं इसकी साड़ी की लंबाई कितनी थी तो मैं आपको बता देता हूँ मेरी साड़ी की लंबाई फोर्टी टू है मीडियम साइज़ की साड़ी बननी है हमारी ठीक है मीडियम साइज़ पर पूरा काम कर रहा है ये हमारी बेल्ट है ये पूरी आगे तलक बेल्ट जा रही है ये पीछे से ये आगे से भी पूरा नीचे करा हुआ है अब मैं आपको इसका पल्लू दिखा देता हूँ ये पल्लू को मैंने फोल्ड करके प्लेट ऊपर अटकाया हुआ है इसमें कोई प्लेटें वगैरह नहीं है ये खुल जाएगा ठीक है ये पल्लू है हमारा ये फोल्ड रहेगा पूरा पल्लू इसे ये पता लगे आप ये भी पूछेंगे ये पल्लू का क्या करा था ये प्लेटें क्यों आ रही थी तो दोस्तों ये देखें अब मैं आपको ये पेन के दिखाता हूँ ये अब आपको हुक का भी बता दूंगा हुक किस तरीके से लगेंगे कहाँ कौन सा हुक लगेगा सबसे पहले आपने ये वाला हुक लगाना है इससे क्या होगा आपका जो अंदर की तरफ अगर आपने जैसे कि बहुत ज़्यादा पतले और आपके ये पीछे की तरफ घूम रहा है और अंदर की तरफ ये गिरेगा नहीं वजन से ये अंदर की तरफ गिरेगा नहीं ठीक है ये हुक ऊपर अटका देंगे तो उससे जो पीस है ना आपका अंदर वाला वो नीचे नहीं गिरेगा ये देखें ये ये नीचे नहीं जाएगा गिरेगा नहीं ये हुक की वजह से आपका पीस ऊपर ही अटका देगा तो ये इस तरीके इस वजह से वो हुक लगाए और अब इसकी लेस देखें किस तरीके से प्लेटों के अंदर से निकल रही है ऊपर से हमने लेस को फोल्ड ही नहीं करा और पलेटें देखें कितनी प्यारी फिनिशिंग के साथ बैठ रही हैं अक्सर ये होता है कि लेस फोल्ड कर देते हैं तो मज़ा नहीं आता उसमें अब मैं इसको अब शोल्डर पर डाल के अब आपको अपनी नीचे की प्लेटें दिखाता हूँ जो पाउ पाँच, पाइचों में आ रही हैं तो वो प्लेटें आप देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना चैनल पे आने वाले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लाफे